Hi, this is Pankhari and you're watching me on Movie Talkies. So the wait is finally over as Sushant Singh Rajput ki last film Dil Bechara aaj finally Hotstar pe release hui aur yakeen maniye it was not easy to watch this film. Film best selling novel The Fault in Our Stars pe based hai. किसी को थायराइड कैंसर है और वो हमेशा अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जिसका नाम पुष्पेंदर है उसके साथ रहती है। किसी अक्सर दूसरों के फ्यूनरल में जाया करती है ये महसूस करने के लिए कि उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे। किसी की दुखी जिंदगी में फिर सनशाइन लेकर आता है इमैनुअल राजकुमार जूनियर उर्फ मैनी। मैनी खुद एक कैंसर पेशेंट है लेकिन इसके बावजूद ही लिव्स हिज लाइफ किंग साइज। अपनी जिंदा दिली से वो सबका दिल जीत लेता है और क्या होता है जब ये दो पोल्स अपार्ट लोग मिलते हैं फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। सुशांत सिंह राजपूत इज प्लेइंग मैनी और सच कहूँ तो उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने से ज़्यादा मैं बस यही सोचती रही कि ये यंग टैलेंटेड एक्टर अब हमारे बीच नहीं है और ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता रहा कि क्यों उन्होंने इतनी प्रॉमिसिंग लाइफ को अलविदा कह दिया। सुशांत इज टेरिफिक एज मैनी और वो एक यंग चीकी लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं जो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को जीना चाहता है। मैनी गेट्स ऑन योर नर्व्स इनिशियली लेकिन धीरे धीरे यू फॉल इन लव विद हिम एंड हिज एंथुसियाज्म। सुशांत फिल्म में बहुत चार्मिंग है और क्लाइमेक्स में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि हर कोई इमोशनल हो जाएगा। स्पेशली एक थिएटर सीन है जिसमें ही इज अनबिलीवेबली गुड। जब फिल्म में उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो वो मोमेंट्स आपकी आंखों के आगे फ्लैश होते हैं जब रियल लाइफ में पुलिस उनके मॉर्टल रिमेन्स को एम्बुलेंस से ले जा रही थी। एज आई सेड इट्स नॉट एन ईजी वॉच। सुशांत वॉज अ यंग टैलेंटेड स्टार जो इतना बड़ा वॉइड छोड़ के गए हैं जिसे भर पाना बहुत मुश्किल होगा। संजना सांघी हैज मार्क्ड अ बॉलीवुड डेब्यू विद द फिल्म और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। She has held her own against Sushant और इन दोनों की pairing बहुत fresh लग रही है। Supporting cast भी अच्छी है और सबने बहुत खूबसूरत performances दी है। जहां acting department में ये film लाजवाब है वहीं screenplay और story में थोड़ी कमी रह गई। जितनी heartbreaking original थी उतनी ये film नहीं है और उसके लिए मैं writers को blame करूंगी। अगर इस film में कुछ heartbreaking है तो वो है Sushant की presence। फिल्म कुछ मामलों में वीक जरूर है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेस ने इसे संभाल लिया। मुकेश छाबरा ने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू मार्क किया है और एक खूबसूरत फिल्म बनाई है उन्होंने। फिल्म में सैफ अली खान हैज अ स्मॉल केमियो अपीयरेंस और उनका कैरेक्टर बहुत अनोइंग है। ही हैज डन फुल जस्टिस टू हिज रोल और जितना अनोय हम उनको देखकर होते हैं उतना ही अनोय सुशांत का कैरेक्टर भी उन्हें देखकर होता है और ये उनके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर होता है। So that's another scene that he has aced. Film ka music A.R. Rahman ne compose kiya hai aur har baar ki tarah is baar bhi wo apna jadoo chalane mein kamyab rahe. Dialogues natural hai aur cinematography achhi hai. Ye kehna galat nahi hoga ki is film se jaate jaate bhi Sushant hame jeena sikha gaye. Sushant film mein kehte hain I dream big lekin adhura chhod deta hoon and this one line hits you hard. आई विश आज वो हमारे साथ होते और ये देख पाते कि लोग उन्हें कितना चाहते हैं। क्योंकि ये सुशांत की आखिरी फिल्म है तो एज अ ट्रिब्यूट हम इसे कोई भी स्टार रेटिंग नहीं देंगे। आप भी इस फिल्म को देखिए और हमें बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू एंड समथिंग फ्रेश। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।